हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस का कंसेप्ट लेकर आए हैं, जिसमें सभी के सभी कंसेप्ट इंक्लूड किए गए हैं एग्जांपल्स के साथ। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको यहाँ पर इसी प्रकार से फ्री क्लासेस मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ सीखेंगे हम हु का। हु का यूज़ कब किया जाता है? सबसे पहली बात, इसका यूज़ सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है। और ये पर्संस के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए ही यूज किया जाता है। इस पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार होता है, देखिए। आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा, उसके बाद रिक्त स्थान मिलेगा, वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन भरो। लेकिन उसके बाद में आपको देखना होगा कि वर्ब आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि वर्ब से पहले ही किसका यूज किया जाता है? सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और वो का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए जरा, सबसे पहले देखिए मेन शब्द आ रहा है जो कि आपका नाउन है, वर्ब आ रही है केम, और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो आपका प्रोनाउन क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। द मैन हु केम इन दिस हॉस्पिटल इज ए पेशेंट। अब देखो, डॉक्टर आपका नाउन है, टोल्ड आपका वर्ब है, तो आपका आंसर आ जाएगा हु, ठीक है। इसके बाद में देखिए, आई आपका प्रोनाउन है, एम आपकी वर्ब है, तो यहाँ आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। बॉय यहाँ पर नाउन है, वोज आपकी वर्ब आ रही है, तो आपको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना होगा, तो क्या हो जाएगा? वो, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए इनका क्या आंसर बनता है। द मैन हु केम इन दिस हॉस्पिटल इज ए पेशेंट। ही वेंट टू द डॉक्टर हु टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। इट इज आई हु एम मेकिंग ए नॉइज। आई सो ए बॉय हु वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू माई ऑफिस। इस प्रकार से सभी के सभी जो एग्जाम्पल है उनमें वो का यूज किया गया है। लेकिन वो से पहले देखिए, कोई ना कोई इंसान है, किसी ना किसी इंसान के बारे में बात की जा रही है। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला यूज हम सीखेंगे विच का यूज सीखेंगे, जिसका अर्थ होता है जो, जिसे या जिसने। इसका यूज जानवरों और वस्तुओं के बारे में बताने के लिए किया जाता है। किसी जानवर या वस्तु की बात होगी तो उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का यूज किया जाएगा, तथा इस पर भी लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई वस्तु या जानवर का नाम आएगा या कोई प्रीपोजिशन आ जाती है, तो उसके बाद में हम विच का यूज करते हैं, और आगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। पहला आपका एग्जाम्पल है आई परचेज्ड ए हाउस। तो आपका हाउस क्या है भाई? कोई वस्तु है ना, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। अनामिका वॉज गिवन ए प्राइज। ए प्राइज कोई वस्तु है, तो यहाँ पर भी आप विच का यूज करोगे। सी हैज ए काऊ, ये जानवर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी आप विच का यूज करोगे। आई हैड ए डॉग, डॉग जानवर है, तो यहाँ पर भी आप विच का यूज करोगे। द हाउस इन प्रीपोजिशन भी आ रहा है, हाउस किसी वस्तु की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? विच हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या बनता है। आई परचेज्ड ए हाउस विच वॉज बिल्ट लास्ट ईयर फेल डाउन। मैंने एक घर खरीदा जो पिछले साल बनाया गया था, गिर गया, ढह गया, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इनका अर्थ भी निकलता है। कभी कभी आपको नहीं समझ में आए तो आप अर्थ करके भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, अनामिका वॉज गिवन ए प्राइज विच वॉज वेरी फाइन। इसके बाद में देखिए, सी हैज ए काऊ विच गिव्स 5 लीटर मिल्क। इसके बाद में आई हैड ए डॉग विच रैन अवे यस्टरडे। इसके बाद में दिस इज द हाउस इन विच वी लिव इज वेरी बिग, ठीक है।
इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अब हम यूज सीखेंगे वूज का। वूज का मतलब संबंध या अधिकार बताने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसका अर्थ निकलता है जिसका या जिसकी। इसका यूज सभी के लिए किया जाता है, ठीक है, लेकिन संबंध या अधिकार बताने के लिए। और इस वूज के बाद में आपको नाउन देखने को मिलेगा, 101% नाउन जरूर मिलेगा। अगर नाउन नहीं है तो वूज भी नहीं आएगा, मतलब ये एक पजेसिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो वूज के बाद में आपको नाउन जरूर देख लेना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, मोहित इज ए पोइट, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, वर्क्स आर वाइडली नोन, आर आपकी वर्ब है तो ये नाउन है। तो नाउन से पहले हम वूज का यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंस आना चाहिए जिसका या जिसकी। तो मोहित एक कवि है, जिसका काम, कार्य, वर्क्स को क्या बोला जाता है, कार्य या काम, जिसका काम जाना जाता है वाइडली चारों तरफ। तो इस वर्क्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा वूज, क्या देगा, वूज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वूज हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। इसी प्रकार देखिए, दिस इज द मैन स्कूटर, स्कूटर आपका नाउन है तो इसका मतलब यहाँ पर हम वूज का यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, WHOSE। तो दिस इज द मैन वूज स्कूटर वॉज स्टोलन द अदर डे, ठीक है। अगला देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर आपका नाउन है तो वूज आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट्स, यह उन विद्यार्थियों की स्टोरी है वूज टीचर, जिनके अध्यापक इज वेरी इंटेलिजेंट, जिनके अध्यापक क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ठीक है। अगला देखिए, आवर कंट्री इज इंडिया वूज पॉपुलेशन इज वेरी मच, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जिसका, जिसकी, जिसके, इन सेंस में अगर आपको यूज करना है तो आप वूज का यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, सी लिव्स इन अ विलेज वूज रोड्स आर डर्टी, तो यहाँ पर जिसकी रोड क्या है, गंदी है। ही वेंट टू जयपुर वूज पीपल आर वेरी गुड, वह जयपुर गया जिसके लोग क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। आई हैव ए कार वूज कलर इज ब्लू, मेरे पास एक कार है जिसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। ही सोल्ड हिज हॉर्स वूज टेल वॉज वेरी शॉर्ट, उसने अपना घोड़ा बेच दिया जिसकी पूंछ क्या थी, बहुत छोटी थी। तो जिसका, जिसकी, जिसके, ऐसा सेंस आना हो तो वहां पर आप वूज का यूज करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगले यूज में हम पढ़ रहे हैं वूम के बारे में। वूम का अर्थ जिसे, जिसको, जिसके लिए, ये सब निकलते हैं। और इसका यूज ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, तो मतलब इसके बाद में आपको सब्जेक्टिव केस जरूर देखने को मिलेगा और उसके बाद में आपको वर्ब देखने को मिलेगी इस प्रकार से। और इस वूम से पहले आपको कोई पर्सन मिलेगा या कोई प्रोनाउन मिलेगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे, वूम का यूज करोगे। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप वू और वूम का यूज केवल और केवल व्यक्तियों के लिए करोगे, लेकिन वू का यूज सब्जेक्टिव केस में और वूम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में किया जाएगा। वू के बाद में आपको वर्ब देखने को मिलेगी, वूम के बाद में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखने को मिलेगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, राहुल और उसके बाद में ब्लैंक दे दिया, आई आपका सब्जेक्ट है, हेल्प्ड आपका वर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब तो आगे दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वूम, राहुल वूम आई हेल्प्ड इन द एग्जामिनेशन इज ए वीक स्टूडेंट, राहुल जिसकी मैंने एग्जाम में सहायता की, इज ए वीक स्टूडेंट, एक कमजोर विद्यार्थी है, इस प्रकार आपका सेंस निकलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, वूम। अगला देखिए, यहाँ पर आपको फिर से ही सब्जेक्ट है, ट्रस्टेड आपकी वर्ब है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, वूम हो जाएगा। सुमन आपका सब्जेक्ट है, टोट आपकी वर्ब है, द बॉय के बाद में आपको रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप क्या लिखोगे, वूम लिखोगे। इसके बाद में अगला देखिए, दे दिया हुआ है ब्लैंक, द गॉड्स और लव आपकी वर्ब है, गॉड्स आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, वूम आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जरा, सोनिया वूम ही ट्रस्टेड वेरी मच टर्नड आउट टू बी एन एनिमी स्पाई,
द बॉय हुम सुमन टॉट, वह लड़का जिसको सुमन ने पढ़ाया, गोट फर्स्ट डिवीजन, पहला स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार अगला देखिए, दे हुम द गोट लव डाई यंग, वे जिनको भगवान प्यार करते हैं, डाई यंग जवानी में ही मर जाते हैं। तो आई होप आपको वू और वूम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ वेयर, वेयर का यूज कब करते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है जहां, और स्थान सूचक शब्द के बारे में बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कोई ना कोई आपको स्थान सूचक शब्द मिलेगा, उसके बाद में आपको वेयर लिखना है, इसके आगे आपको कोई सेंटेंस देखने को मिलेगा। स्थान सूचक शब्द जैसे गार्डन हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हाउस हो गया, विलेज हो गया, प्लेस हो गया, सिटी, मार्केट, सिनेमा, जयपुर, राजस्थान, इंडिया, ETC, मतलब इस प्रकार के शब्द आपके क्या होते हैं, स्थान सूचक शब्द होते हैं, जिनके लिए वेयर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, दिस इज द विलेज, तो विलेज क्या है भाई, स्थान है जहाँ पर क्या हुआ, मैं जन्मा था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेयर आंसर हो जाएगा। द पैलेस आ रहा है तो वेयर हो जाएगा, ठीक है। वेयर यू वेंट स्टडी, जहाँ तुम कल गए, मैं उस स्थान को जानता हूँ। आई नो द पैलेस अनामिका लिव्स, वेयर अनामिका लिव्स, जहाँ अनामिका रहती है, मैं उस स्थान को जानता हूँ। तो देखिए, वेयर इज द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आ रहा है तो आगे खाली स्थान में वेयर आ जाएगा, सी एडमिट, जहाँ वह एडमिटेड है, वो हॉस्पिटल कहाँ है, ऐसा कुछ सेंस आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। तो देखिए, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, आई नो द पैलेस वेयर यू वेंट यस्टरडे, आई नो द पैलेस वेयर अनामिका लिव्स, वेयर इज द हॉस्पिटल, वेयर सी एडमिटेड, इस प्रकार आपके आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम यूज सीखने वाले हैं वहन का यूज कब किया जाता है। तो इसका मीनिंग निकलता है जब, और ये समय के बारे में बताने वाले शब्दों के बाद यूज किया जाता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आएगा, उसके बाद में आपको वहन लिखना है, फिर कोई ना कोई सेंटेंस आएगा। कैसे देखिए जरा, देखिए यहाँ पर ट्यूसडे टाइम बता रहा है, इन जून टाइम बता रहा है, नाइट टाइम बता रहा है, 2018 टाइम बता रहा है, तो सब में आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहन आपका आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए जरा, इट वॉज ट्यूजडे वहन आई वॉज बोर्न, ये मंगलवार था जब मैं जन्मा था। आई सेल गो टू जयपुर इन जून वहन आई गेट मनी। इट वॉज नाइट वहन सी कुक्ड फूड। इट वॉज 2018 वहन ही पास्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ वोट, वोट का यूज कब किया जाता है। तो देखिए, इसका अर्थ होता है जो, जो कि, जो कुछ, जितना। इसका यूज अज्ञात बातों, वस्तुओं, घटनाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है, और ये हमेशा सिंगुलर रूप में आता है। इसका यूज कैसे करते हैं देखिए जरा, सबसे पहला आपको यूज करना है, अगर आपको वाक्य के शुरू में खाली स्थान दिखाई देता है तो आप वोट का यूज करोगे। वर्ब के बाद में अगर खाली स्थान आ रहा है तो आप वोट का यूज करोगे। वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रही है, उसके बाद में खाली स्थान है तो आप वोट का यूज करोगे। कैसे यूज करोगे देखिए जरा। तो देखिए, आपका पहला एग्जाम्पल है जिसमें वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान है, तो आपका आंसर हो जाएगा वोट। वोट यू से इज नॉट राइट, जो तुमने कहा वो सही नहीं है। यह अज्ञात बात की जा रही है, पता नहीं क्या बात है, सेंस से पता नहीं चल रहा, तो वोट आ जाएगा। आई डोंट बिलीव, बिलीव आपकी वर्ब है, इसके बाद में रिक्त स्थान आया है तो आपको वोट बनना है। वोट यू से, मैं उस पर विश्वास नहीं करता जो तुमने कहा, ठीक है। टेल आपकी वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, इनके बाद में आपको वोट लगाना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वोट। टेल मी वोट योर आंसर विल बी, मुझे बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम दैट का यूज पढ़ने वाले हैं, जिसका अर्थ होता है जो या जो कि। इसका यूज सभी के लिए किया जाता है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या जानवर हो, सबके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ फिक्स जगह होती है जहाँ पर हमें दैट लगाना होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब WH वर्ड से कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो आगे जाकर ब्लैंक में अगर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो आप दैट का यूज करोगे। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में कोई नाउन आता है, उस नाउन के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाएगा। इसके बाद में एक और रूल है, देखिए जरा,
ओनली, सेम, ऑल, नथिंग, लिटिल, इस प्रकार के अगर शब्द आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो इनके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज किया जाएगा। इन शब्दों को आपको याद करना होगा, ओनली, सेम, ऑल, नथिंग, लिटिल, ठीक है, ये शब्द आपको याद करने हैं। अब रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति और जानवर दोनों की बात हो तब भी आपको दैट लगाना है, चाहे जानवर व्यक्ति हो चाहे व्यक्ति जानवर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से आपका वाक्य शुरू हो रहा है तो इन सब में आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड से वाक्य शुरू हो रहे हैं तो ये आगे जाकर क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। देखिए जरा, विच इज द फोन दैट यू परचेज्ड, वह कौन सा मोबाइल है जो तुमने खरीदा, वॉट इज इट, यह क्या है, दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, जिससे तुम डर रहे हो या जो तुम्हें डरा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, हु इज द मैन दैट हेल्प्ड यू, वह कौन सा आदमी है जिसने तुम्हारी सहायता की। इस प्रकार अगर आपका वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है, आगे रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो आपको दैट का यूज करना होगा, इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे देखिए, द बेस्ट, तो बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, फिर गर्ल नाउन आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। यंगेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, सन आपका नाउन है, आगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट का यूज करेंगे। मोस्ट ब्यूटीफुल आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, गर्ल आपका नाउन है, फिर देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या लिखोगे, दैट का यूज कर दोगे। ओनली आया है, फिर नाउन आ रहा है तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। देखिए जरा, शी इज द बेस्ट गर्ल दैट पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है, अर्जुन इज माई यंगेस्ट सन दैट लिव्स विद मी, सोनिया इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल दैट रीड्स इन माई स्कूल, हर ओनली सन दैट लिव्स हियर इज एन ऑफिसर, इज इट क्लियर। आगे देखिए, यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, नाउन है तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो गया, दैट हो जाएगा। ऑल आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। नथिंग आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। द बॉय एंड हिज कार, यहाँ लड़का है, एक व्यक्ति है और एक वस्तु है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। डॉग और रमेश, यहाँ एक जानवर है और एक इंसान है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। कैसे, देखिए जरा, दिस इज द सेम हाउस दैट सी सोल्ड, ही सेड ऑल दैट ही न्यू, ही हैज नथिंग दैट कैन बी सोल्ड, द बॉय एंड हिज कार दैट यू सी ऑन द रोड आर गुड, द डॉग एंड रमेश दैट लिव इन दिस हाउस आर फेथफुल टू ईच अदर। तो आपने देखा, ओनली, सेम, ऑल, नथिंग, इनके बाद में हमें किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। अगर किसी व्यक्ति और वस्तु का नाम आता है तो दैट का यूज करेंगे, किसी जानवर या व्यक्ति का नाम आता है तब भी हम दैट का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो का यूज किसके लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए किया जाता है, जबकि विच का यूज वस्तु या जानवरों के लिए किया जाता है, तो दोनों का यूज एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम वहाँ पर दैट का यूज करेंगे, इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।